आज हम बिहारी स्टाइल सेम की सब्जी बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधा किलो सेम ले लिया है, ग्राम में 500 ग्राम। इसको खड़ा धुल के चाकू से अच्छा सा काट लिए हैं। इसमें 5 से 6 टमाटर पड़ेगा। इसमें जो मसाला पड़ेगा वो देखिए ये है, इसमें कोई गरम मसाला नहीं पड़ता है। मिर्च, लहसुन, सरसों, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 8-10 दाना। ये सब्जी हम लोहे के कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इसमें सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम ये सरसों के तेल में बनाएंगे सब्जी। जब तेल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मेथी और हींग। इसका हमें तड़का लगाना है। हींग और मेथी का 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून हींग। इसमें हींग और मेथी, यही सबका कमाल है सब्जी में, यही सबका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हींग, मेथी, सरसों, लहसुन, इसी का फ्लेवर इस सब्जी में आता है भरपूर। आप सेम की सब्जी बहुत खाए होंगे, इस तरीके से एक बार आप सेम की सब्जी बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। जब मेथी अच्छा सा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे सेम। ये देखिए मेथी हो गया है, अब हम डाल देंगे सेम। दस मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन हटा के देख लेंगे। बीच बीच में हम सब्जी को चला भी दे रहे थे। देखिए सब्जी हमारा अच्छा सा एकदम भून गया है। अब इसमें हम मसाला पीस के डालेंगे, जो मसाला हमने दिखाया था। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। देखिए हमने मसाला पीस लिया है एकदम बारीक और बढ़िया मसाला, हमको फाइन एकदम पेस्ट बनाना है। मसाला डाल देंगे इसमें। मसाला डाल के हमको 5 मिनट के लिए सब्जी को और अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा सब्जी का कलर अच्छा दिखने के लिए। 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए हम डाल रहे हैं, ये आप इससे भी कर सकते हैं। इसको ढक के धीमे आंच पे मसाला भूनेंगे 5 मिनट के लिए। पांच मिनट हो गया, ढक्कन हटा के हम देख लेंगे। अब बीच बीच में हम सब्जी को चला दे रहे थे क्योंकि सब्जी हम भून रहे हैं, छोड़ देंगे तो जल जाएगा। ये देखिए सब्जी का मसाला अच्छा सा भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डाल के भी इसको हमको 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे अच्छे से भूनना है। इस सब्जी में टमाटर अच्छे से पड़ता है, तभी जो सरसों का फ्लेवर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। इस सब्जी का एक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, ये सब्जी आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे, जितना अच्छा सब्जी भूनेंगे, उतनी अच्छी ही स्वादिष्ट सब्जी ये बनेगी, एकदम उभर के सब्जी आएगा। आप बहुत सेम की सब्जी खाए होंगे, इस तरह से एक बार जरूर बना के खाइए। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे भूनेंगे टमाटर को भी। टमाटर में सेम सबको ऐसे थोड़ा सा दबाते हुए ये देखिए सब्जी और टमाटर को भूनते हमें 3 मिनट हो गया है। 2 मिनट सब्जी को भी हम और भूनेंगे। इसमें टमाटर और सेम दोनों एकदम एक सा हो जाना चाहिए, इसमें कोई टुकड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये देखिए हमने ऐसे सब्जी को थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाते हुए अच्छे से एक कर दिया है। डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के भी थोड़ा सा सब्जी को भूनेंगे इस तरह से। इसका अभी फ्लेवर इस सब्जी में धनिया पत्ती की बहुत अच्छी आती है।
एक मिनट के लिए और अच्छे से सब्जी भून लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी दिख रही है। इस सब्जी में थोड़ा सा टाइम और मेहनत दोनों लगता है, लेकिन खाने में यकीन मानिए बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको आप पराठा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी है ये बिहार की। देखिए सब्जी हम बंद कर देंगे, सब्जी हमारी बन गई है। थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर से और